जैसे कि आपने नाम लिया काजोल, ये अजीत अंजुम और अन्य कई पत्रकारों के नाम लिए आपने, आपने देखा होगा कि इनके ये पहले एक नेशनल चैनल्स में काम करते थे और इनके इन्हीं एजेंडे की वजह से इनको चैनल से हटाया गया कि G20 पे बहुत खर्चा हो गया, ये हो गया। देखिए, हम मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे घर पे मेहमान आएंगे तो खाना हम ज़रूर खिलाएंगे, पर G20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। उस पे होने वाले खर्चे, उनके आना जाना, उनका रहना, सब अपने देश अपनी जेब से करते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आज हम इस वीडियो में उन लोगों के चेहरे बेनकाब करने वाले हैं जो हो सकता है कि आपके चहेते हों, बहुत सारे लोगों के चहेते हों, लेकिन सच्चाई जाननी जरूरी है। जी हाँ, हम भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन क्या हो जब यही पत्रकार आप लोगों को सही आईना ना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने YouTube चैनल्स खोलकर बैठ गए हैं, मिलियंस में उनके व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और कमाई भी इनकी मिलियंस में हो रही है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे बड़े पत्रकारों की जो शायद आपके चहेते होंगे, आप उन्हें जानते भी होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको फॉलो भी करते होंगे। नाम है रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, पुनपुसन वाजपेयी, दीपक शर्मा और मलेश भाषा सिंह। ये जो सारे आखिर में मैंने नाम गिनाए हैं, ये न्यूज़ क्लिक कुछ दिन पहले ही न्यूज़ क्लिक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। आखिर आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वजह है देश के सामने सच्चाई लाना। क्या वो कह रहे हैं वो सच्चाई है या जो सरकार बता रही है वो सच्चाई है? हरीश जी, आज हम बात कर रहे हैं उन पत्रकारों की जो पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक तबके की बात करते हैं, जो पत्रकार सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, या वो पत्रकार जो देश में ना होकर भी देश की नीतियों के खिलाफ बाहर जाकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जैसे कि आपने नाम लिया काजोल, ये अजीत अंजुम और अन्य कई पत्रकारों के नाम लिए आपने, आपने देखा होगा कि इनके ये पहले एक नेशनल चैनल्स में काम करते थे और इनके इन्हीं एजेंडे की वजह से इनको चैनल से हटाया गया। और जब इनको हटाया गया तो इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। आप मैक्सिमम जगह देखेंगे कि ये सिर्फ अगेंस्ट बोलते हैं, या इनकी ऑडियंस जो है वो नेगेटिव सुनने वाले ही हैं, जो देश के प्रति नेगेटिव सुनना चाहती हैं, ऐसी इनकी ऑडियंस है। और आप देखेंगे वीडियो डालते हैं और चंद घंटों में ही ये मिलियन के करीब पहुंच जाते हैं। तो आप ये देखिए कि देश के कौन सा ऐसा तबका है जो इनको सुनना पसंद करता है और सिर्फ नेगेटिव। मैं बोलता हूँ सरकार की नीतियों के खिलाफ जो काम करना है, चौथा स्तंभ है, आपको करना है। अगर कोई गलत हो रहा है तो करना, सही को भी बताना आपकी जिम्मेदारी थी। पर आप इनके पूरे यूट्यूब को हम दोनों ने खंगाला और खंगालने पर हमारे को पक्ष में एक भी इनका वीडियो नहीं मिला, एक भी वीडियो। जब एक भी वीडियो इनका नहीं मिला तो क्या दुनिया में, देश में सब कुछ गलत हो रहा है? अगर भारत देश ने इसराइल का समर्थन किया तो ये हमास की तरफ खड़े हो गए जाके। अब आप दूसरा एंगल देखिए कि जितने विपक्षी दल है, हमारा विपक्ष का काम है कि उनको विरोध करना है, हर मुद्दे पे विरोध करना है, ये विपक्ष का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं इन्हीं को इंटरव्यू करते हैं। और इस पे एक और चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, जिन राज्यों में, उन राज्यों का कहीं भी इनकी वीडियो में कोई जिक्र नहीं है। जब मैं वीडियो देख रही थी, राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध कितना बढ़ रहा है, लेकिन मणिपुर की इन्होंने खूब बात की, राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। तो ये देखिए ना, कहाँ की पत्रकारिता है। यही हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विपक्ष के एजेंडे को सेट कर रहे हैं और उनसे मे बी, मैं इसको बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बोल सकता, पर फंड उनकी तरफ से इनको ज़रूर मिल रहा होगा, नहीं तो बिना फंड के तो मूव होने वाले लोग नहीं है। अब इनके एक मिलियंस जब एक व्यूज़ आते हैं, आप देखिएगा, आप पत्रकारों का एक बार दोबारा से जिक्र करें, कुमार की मैं बात करूं तो इनके सब्सक्राइबर ही 8 मिलियन के करीब है, 8 मिलियन के सब्सक्राइबर। अब जब 1 मिलियन व्यू आता है,
आप समझिए, जब 1 मिलियन व्यू आपके चंद घंटों में पहुंच जाता है तो इसका मतलब उनका वीडियो पूरा देखा जाता है, जो भी 15 से 20 मिनट का वीडियो इनका होता है वो पूरा देखा जाता है। आप समझ सकते हैं कितना पैसा कमाते हैं एक बारी में, एक रात में 2.5 से 3 लाख रुपए ये कमा लेते हैं सिर्फ नेगेटिव बोलने पे। इन लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमको जितना नेगेटिव हम बोलेंगे हमारी जेब में पैसा आएंगे। लोग समझते हैं ये सच्चाई दिखा रहे हैं, ये कोई सच से तो बहुत परे हैं। ये सिर्फ नेगेटिव बोलने पे, इनको पता है कि हमारे अल्पसंख्यक हमारे व्यूअर हैं वो नेगेटिव ही, जबकि अल्पसंख्यक की बात करें चाहे वो कोई भी जाति हो, वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाली पार्टी जो लोग हैं वो वही हैं। योजनाओं से इनकी योजना जो भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार चलाती है उनका जिक्र इनके वीडियोस में नहीं होता, ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है और एक समय आएगा कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। सरकार इन लोगों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है कि इन्हें ऐसा महसूस ना हो कि ये जो है अल्पसंख्यक है तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन शायद हो सकता है कि इनकी पत्रकारिता में कुछ ऐसा हो कि ये इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो। हमें डराना नहीं है उन लोगों को, हमें उन्हें समझाना है कि सरकार आपके साथ भी उतनी ही खड़ी है जितनी बहुसंख्यक के साथ है। पहली बात तो ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हो रहा है देश में तो आप इसको सही तरीके से समझाने, सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। बट इनके इनके उसमें आपने देखा होगा, और इनकी कमाई को अगर मैं इनकी कमाई पर जाते हैं, इनकी कमाई जो है ये कहीं डोनेट करते हुए नज़र नहीं आते कहीं। इनका पूरा मैंने वो भी देखा कि किसी संस्था से जुड़े हैं, कोई संस्था से कहीं नहीं जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ इन्होंने डोनेट किया हो, अनाथ आश्रम को किया, वृद्धाश्रम को किया, बच्चों के संस्थान को किया हो, या एजुकेशन के ऊपर कोई कैंप लगाया। आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज ये 20 से 30 लाख रुपए, अगर ये किसी दिन वीडियो ना बनाए तो इनकी जो महीने की इनकम है 20 लाख के आसपास रह जाएगी। अदरवाइज अगर डेली अगर ये बनाए तो 30 लाख ये हर महीने टच करते हैं। अब सोचिए 30 लाख का पैकेज, मतलब 3.60 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज। मुझे नहीं लगता ये चैनल में भी इतने इनको सैलरी मिलती होगी। तो इन लोगों ने ये नर्व्स पकड़ ली कि हम नेगेटिव जितना बोलेंगे हमारी जेब में पैसे आने ही आने हैं। लेकिन हमें इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है उसे समझना होगा। स्ट्रैटेजी क्या है कि ये कि आप बोल लीजिए अल्पसंख्यकों के बारे में, आपको उनका सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो जो 22 करोड़ या 25 करोड़ का जो जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, क्या उनको टारगेट कर देने से आप देश की स्थिति वाकई दिखा आपको, रहे हो? आपको अच्छा, आप देश की स्थिति की बात करो, आपके इनके किसी भी जितने भी आपने पत्रकारों के नाम लिए, मैं जनता से ही बोलूँगा, एक बार इनका वीडियो आप पूरा अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। अब मैं एक नहीं बोलता हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 वीडियो आपको रिसर्च करने को कहूँगा। आप देखिए कि आपकी बात, आपके देश की बात कहीं पर हुई है क्या? क्या आपके अगल बगल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? आप ध्यान से देखिएगा और इनके रेवेन्यू पर नज़र मारिएगा। सिर्फ आपकी मानसिकता से खेलना और आपको इस तरह से बांध देना कि इनका वीडियो पूरा चले किसी प्रकार से, और जिससे कि इनकी जेब में डॉलर्स आए। हो सकता है इन वीडियोस को देखकर उन व्यूअर्स को लग रहा हो कि हाँ ये हमारी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई डीपली इस पर फोकस करेंगे तो ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि टारगेट उन्हें कहाँ हिट करना है और उसी नब्स को टटोल कर वहीं पर वार कर रहे हैं और इसी का पैसा उन्हें मिल रहा है। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि एक वीडियोस के 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल एक रात में। आप इंडिया में हो नहीं हो उससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, भी आराम से अपना पूरा प्रोपेगेंडा पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं। रवीश कुमार का जिक्र मैं इसलिए करूँ क्योंकि रवीश कुमार देखिए जिस जगह से आते हैं, बहुत साल इन्होंने पत्रकारिता को दिए, NDTV में बड़ा नाम, लेकिन उसके बाद अलग हुए, अब खुद का YouTube चैनल है, अब धड़ल्ले से वो बातें रखते हैं अपनी। लेकिन आप सोचेंगे कि जिस G20 को लेकर देश इतना उत्साहित था, हर जगह विदेशों में जो जो कंट्रीज आई थी उन्होंने इतनी तारीफ की हमारे देश की, जो हमारा मैनेजमेंट था, जो हमारा ये इवेंट था, जिस तरीके से हमने किया, ये 3 वीडियो में 3 पार्ट बनाए उन्होंने G20 के खिलाफ। आप सोचिए कि आप जो इतनी अच्छी चीज़ हो रही है जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, दूसरे देशों के साथ हम मिलकर चल रहे हैं, जो विकासशील देश है, जो आने वाले समय में विकसित होंगे, उनके खिलाफ आप वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने उस पर G20 के ऊपर किया और G20 में इन्होंने लोगों को भरमाया भी खूब
कि G20 पे बहुत खर्चा हो गया, ये हो गया। देखिए, हम मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे घर पे मेहमान आएंगे तो खाना हम ज़रूर खिलाएंगे, पर G20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। उस पर होने वाले खर्चे, उनके आना जाना, उनका रहना, सब अपने देश अपनी जेब से करते हैं। उसमें कोई भी सरकार का कोई भी मतलब नहीं होता। अरेंजमेंट करने में सपोर्ट हो सकता है, खर्चा करने में नहीं। खर्चा सिर्फ हमारा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो, जो कि हमारा आगे रेवेन्यू मॉडल बना है। अगर हमने उसकी बात करी है, प्रगति मैदान में ये सारा हुआ, तो प्रगति मैदान को बनाने उसके बाद उसका आगे का कार्यक्रम उसमें चलेंगे, तो वहाँ से हमें वो, हमने उद्घाटन एक तरह से G20 से कर दिया उसका, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, खर्चा इसमें कोई नहीं हुआ। खर्चा इसमें बिल्कुल नाम मात्र का खर्चा है, जो देश के नाम पे होना चाहिए था उतना ही खर्चा है। बाकी अपने अपने देशों ने अपना अपना रहना, आना जाना, सब उनका अपना खर्चा था। तो इस तरह के इन्होंने भरमाने वाले काम किए कि G20 कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, देश मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी होगा, फ़ोटो उसी की लगेगी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, जब भी कोई भी रहा है फ़ोटो उसी की लगती है, फ़ोटो कोई दूसरे की नहीं लगाता। योजनाएँ सरकार की ही होती हैं, योजनाएं कोई पीछे की बात नहीं करता, योजनाओं के ऊपर बात होती है। इवन आप ये सोचिए कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, उन्होंने क्या बोला संसद में कि G2 जो हुआ है तो फिर जान के वो पूछते हैं G2 या G20, तो बोलते नहीं G20, बोले 20 ओ में जो था ना उसमें फूल बना हुआ था कमल का, तो इस वजह से मुझे वो कमल के फूल के अंदर G2 नज़र आया। तो सोचिए कि देश को कितना भरमाने की कोशिश कि 20 और 2 में इनको फ़र्क नज़र नहीं आया, 2 में इन्हें कमल का फूल नज़र आया, कमल का फूल भी इन्होंने सीधा भाजपा से जोड़ दिया। बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है, कमल का फूल है, वो नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है। और हमारे सनातन की हम बात करें तो सनातन में तो कमल का फूल जो है वो बहुत ही पूजनीय होता है। हमारे अभी नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद भी आप इसको पूरा एकदम, किसी का कॉपीराइट नहीं है ना तो राम मंदिर पर, ना ही किसी पुष्प पर, ये हमें समझना। तो लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो ऐसे YouTube चैनल्स को अगर कोई फॉलो कर रहा है, आप ज़रूर देखिए, सुनिए ज़रूर इनको, पर इनको अपने जीवन में स्थान ना दें, आपने जीवन का इनको उदाहरण ना बनाएं कि उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल सत्य कहा होगा। उनका एक एजेंडा है, अपोजिशन के द्वारा यूज़ किए हुए ये एजेंडा को चलाने के लिए ये पत्रकारिता चल रही है। आप बड़े से बड़े चैनल पे जो नहीं दिखाई देते नेता, वो आजकल इनके यूट्यूब पे दिखाई देते, क्योंकि मिलियंस में फॉलोअर हैं इनके, तो वो उस बात का पैसा भी इनसे चार्ज करते हैं कि आप आइए हमारे इंटरव्यू दीजिए, हमारे मिलियंस में फॉलोअर हैं, अगर आपका एक इंटरव्यू, तो उसका भी एक अच्छा खासा चार्ज करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जबकि ऐसा कोई खुलेआम नहीं बोलता कि मैंने कुछ पैसे चार्ज किए, बट ऐसा मानना है। हम ये वीडियो नहीं बनाते, हम नहीं बताते, लेकिन ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर, बहुत सारे इनके वीडियोस देखे, समझने की कोशिश की कि वाकई क्या देश की बात हो रही है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इन्हें देख रहे हैं, वाकई कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सरकार के अगेंस्ट, देखिए आपका राइट है आप बोलिए, लेकिन सिर्फ 10 सालों में क्या कुछ गलत ही हुआ है, ऐसा कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया। आपने भी देखा, आपने भी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें इन्होंने पॉजिटिव बात की। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि हिंदू मुसलमानी वाली वीडियोस जो हैं इन्होंने बनाई है, तो इनका एजेंडा सेट है और यही वजह है कि आज हम इस पर बात कर रहे हैं। अब मैं वही बोलूँ विशाल शर्मा के, जैसे न्यूज़ क्लिक के साथ वो उन्होंने खुद कहा कि सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो न्यूज़ क्लिक पर दिखाया जाता है, तो आपको फ्री में तो दिखाया नहीं जाता। आप इस तरह का एजेंडा प्रोपोगंडा तैयार करते हो तभी आपका न्यूज़ क्लिक पर गया, और आप कहीं ना कहीं हेट स्पीच वाले जो काम है वो आप करते हो, आप हेट डिबेट्स करते हो, हेट स्पीच देते हो, ये सब चीज़ें आपके, आप देश को बांटने की कोशिश करते हो। आप हमेशा देखिएगा कि आपके, आप अच्छा और बुरा दोनों दिखाएं, हमें आपसे परहेज नहीं है कि आप बुरा ही बुरा दिखाते, अच्छा भी तो दिखाएं, हमारा देश कहीं तो पहुँचा होगा। आपके हिसाब से पैमाने में हो सकता है आप 10 में से 2 अंक देते हो, पर 2 अंक का हकदार तो है हमारा देश। अगर आपके हिसाब से आप कहीं तो इनको किसी उस पे तो रखिए कि हाँ हम 10 में से, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इनको 10 में से 9 दें, 8 दें, 7 दें, पर आप तो 0 भी नहीं देते। चलन अभी कुछ सालों से ही चला है, हमने देखा है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर जो फॉलोवर्स हैं बढ़ रहे हैं, लोगों की रीच बढ़ रही है, उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर, देखिए मैं ये बिल्कुल भी कहने से गुरेज नहीं करूंगी कि सोशल मीडिया में एक तबका ऐसा भी है जो ना सोचता है ना समझता है, चीज़ें ऐसे फॉरवर्ड हो जाती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से कहा जाता है,
ट्विटर पर आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जिन्हें पता भी नहीं होगा कि यार मैटर क्या है, बस उन्हें वीडियो को फॉरवर्ड करना है, वायरल कर देना है, तो उन लोगों को ये टारगेट करते हैं ताकि उनका जो एक यूनिट वो है, मतलब ये पूरा जो एक फॉलोवर्स है, एक तबका जो है, उसकी जो लाइन है वो बढ़ती चली जाए और फिर एट द एंड क्या होता है, दिल्ली दंगे जैसे बात, शाहीन बाग बनता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा रवीश कुमार जब शाहीन बाग वाली सीएनआरसी वाली चीज़ें हो रही थी तब भी धड़ल्ले से सरकार को टारगेट कर रहे थे, उसमें बुराई क्या थी? वही समझने की ज़रूरत है। रवीश कुमार, विशाल शर्मा, अजीत अंजुम और ये और साक्षी जोशी, कई पत्रकार ऐसे हैं जिनको सिर्फ सरकार में आपको बुराइयाँ, सरकार आपकी है, आप अपनी ही बुराई खुद कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उनको आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, इस योजना के लिए कर सकते हो, योजनाओं का आप, अच्छा चलिए, योजनाओं का लाभ आज तक इन्होंने कितना बताया? मुझे ऐसा कोई वीडियो नजर नहीं आया। कोई योजना हमारे देश में नहीं आई, कोई योजना ऐसी नहीं आई, कोई हमारे सरकार ने कुछ अच्छा काम, 370 के ऊपर बोले हैं क्या ये? आपसे तो शायद जो भी फैसले लिए गए हैं वो सिर्फ एक तबके के लिए लिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उज्ज्वला योजना जो सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री की मानी जाती है, गांव-गांव तक पहुंची, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा, कैलकुलेट करेंगे तो बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों ने इनका लाभ लिया है, और महिलाएं खुद आके बोल रही हैं, 3 तलाक वाले मैटर पर भी आके बोलती हैं, लेकिन इनके हिसाब से योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। इनके हिसाब से योजना का लाभ नहीं, मैं बोलता हूँ वही सरकार ने 370 धारा 370 पर काम करा, 370 के बाद राम मंदिर पर काम करा, महिला आरक्षण पर काम करा, इन्होंने एक बार भी इसके ऊपर सरकार की अच्छाई के ऊपर बात नहीं की कि हाँ इन्होंने स्टैंड लिया। अगर ये सारी ना होती तो मैं बोलूं कि गोदी मीडिया नाम देने वाले, जिस तरह से इन्होंने पत्रकारों को मतलब जो इनकी बात में आ जाए वो तो ठीक, बाकी सब गोदी मीडिया, तो इन्होंने जो बड़े अच्छे से इन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिया, पहले इनको भी पूछना चाहिए गोदी मीडिया का मतलब क्या। तुम विपक्ष के गोदी में बैठे हो तो तुम गोदी मीडिया नहीं हो। हम पक्ष न विपक्ष की बात कर रहे हैं इस टाइम, आप निष्पक्ष होके तो बात कीजिए। आप गोदी मीडिया दूसरे को कह दिया आपने, अगर ये जितने भी एजेंडा बीजेपी ने अपने दिखाए थे और बोला वादा किया था, तब यही लोग थे, राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब उन्होंने तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बनाया, 370 बिठाया, महिला आरक्षण भी लाया, 3 तलाक के ऊपर भी बात की, इस सारी चीज़ों पे काम किया, पर इन्होंने एक बार भी इन चीज़ों का जिक्र अपने किसी वीडियो में, आप देखिएगा 2 साल में अगर इन्होंने पॉजिटिव कहीं पे बात की हो, पॉजिटिव बात इन सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ है कि आतंकवाद को लेकर सरकार ने कितना ज़्यादा अपने मुट्ठी को और ज़्यादा मजबूत किया है, हमारी सेना को फ्री हैंड दिया 2014 से पहले। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सरकार उससे पहले सही काम नहीं कर रही थी या कुछ भी, ठीक है, इतने सालों से लोगों ने पसंद किया तो कुछ तो अच्छा किया ही होगा, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमें नज़र आती है ना, वो जो एकदम से जैसे दुर्गा माँ होती है ना, त्रिशूल लेकर एकदम तैयार है महिषासुर का वध करने के लिए, हमारी सरकार वैसे ही तैयार रहती है बिल्कुल। आतंकवाद को रोकने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की है, CNRC भी इसी का था कि बाहर से जो घुसपैठी आ जाते हैं वो ना आए, लेकिन वो भी निराश नहीं आया है, हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है। सिक्योरिटी मजबूत हुई है, मैंने इसराइल के ऊपर जैसे पहले कहा था कि देखिए पिछले प्रोग्राम पे ही हम लोगों ने बात करी थी, इसराइल को आज भारत देश ने सपोर्ट किया है, आतंकवाद के खिलाफ सपोर्ट किया है। आप सोचिए कि जब हमारा कारगिल का 1999 में जब कारगिल युद्ध था, इसराइल के साथ हमारा कोई ट्रीटी साइन नहीं थी, कोई इस तरह का, उन्होंने हमें उस टाइम पर गाइडेड मिसाइल्स दी थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट दिए थे जहाँ उनका कोई वो नहीं था कि उनको देने हैं, उन्होंने दिए, हमारी मदद की, उसके बाद जाके कहीं जब वो युद्ध ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोगों ने कुछ उनके साथ साइन किए एग्रीमेंट्स। तो सोचिए कि जिसने हमारे बुरे वक्त में मदद की उसकी कोई चर्चा नहीं की इन्होंने, हमास के हितैषी बन गए। मैं बोल रहा हमास में बेगुनाह नहीं मारे जाने चाहिए बिल्कुल भी, हम उसके पर क्या आतंकवाद का मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए आतंकवाद, तो वही मैं बोल रहा उसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, आतंकवाद कहीं का भी हो, दुनिया में कहीं का भी आतंकवादी हो, उसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नाम मैंने लगातार गिनाया, एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, हो सकता है कि कमेंट सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारा विरोध करें, ठीक है,
लेकिन सच्चाई दिखाना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिचार शर्मा, साक्षी जोशी, पुन पुसुन वाजपेयी, बड़े चेहरे एक टाइम पर जब ये चैनल्स में आते थे, लोग इन्हें सुनते थे, देखते थे, दीपक शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रज्ञ गुहा ठाकुर, अनुदय चक्रवर्ती, ये सारे लोग हैं जो लगातार वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, इनका मेन पर्पस है सिर्फ एक गाड़ी कमाई, एक मोटी कमाई अपनी जेब में रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाएगा तो सिर्फ एक आम आदमी का। कहीं भी कुछ भी दंगे होते हैं, वहां पर कौन मरता है? आम आदमी, हम जैसे लोग। तो समझिए और सोच कर उन वीडियोस को, उन सोशल मीडिया पर जब आप चलाते हैं तो फॉरवर्ड करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व मत होइए, वहाँ पर बहुत सारी फेक चीज़ें होती हैं जो फेक तरीके से चलती हैं, जिसकी वजह से कईयों के घर जल जाते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, आप इसको एक बार ही हमारे कहने से इनके कुछ वीडियो ज़रूर देखिएगा, 10-15 इनको कुछ और पैसे जाने दीजिए, पर उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या इन्होंने आपको सिर्फ भड़काने की कोशिश की है या वन साइडेड होकर ही इन्होंने आपको दिखाया है। अब फिर कंपैरिजन और किसी वीडियो से कीजिएगा, हम ये नहीं कहते कि हमारी बातों में जाइए, और किसी वीडियो से इसका कंपैरिजन कीजिएगा और देश की नीतियों के ऊपर आप ज़रूर एक बार रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके साथ हो क्या रहा था। आपके साथ होने वाली जितनी भी इस तरह की वीडियो बनी है, इनमें फ़ायदा सिर्फ इन लोगों को हुआ है, इनकी जेब गर्म हुई है, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले इनके, अगर आप YouTube पे वो भी खंगाल सकते हैं। तो जागने की ज़रूरत है, और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। बेस्ट सोचिए, बेस्ट देखिए, आपके लिए क्या बेस्ट है वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समझदार नागरिक बनिए और एक समझदार सरकार चुनिए। लगातार हर वीडियो में मैं कह रही हूँ कि एक समझदार वोटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक समझदार सरकार चुन सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, तब तक नमस्कार, जय हिंद।